सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, इस वीडियो में हम झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हो कि झारखंड के विद्यार्थियों के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत की गई है और इसके तहत विद्यार्थियों को 15 लाख रुपये तक का यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। तो किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर 15 लाख रुपए का लोन मिलेगा, इस लोन को आप अप्लाई कैसे कर सकते हो और यह लोन क्यों दिया जा रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो दे रखा है यहाँ पर गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। बिल्कुल बच्चा, यह एक राज्य स्तरीय योजना है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से गरीब छात्रों को लोन की राशि सस्ते दर पर उपलब्ध की जाएगी। आगे दे रखा है, इस योजना के तहत उच्च शिक्षण में चयनित विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत छात्रों को 15 लाख रुपए तक की शिक्षा ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 10वीं या फिर 12वीं के बाद आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि आप आगे की पढ़ाई कर ले। कई बच्चों को सपना होता है कि सर हम आगे जा के डॉक्टर बनेंगे, या फिर अपने आगे जा कर के और भी हमें सर ग्रेजुएशन करना है, उसके आगे की पढ़ाई करनी है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो झारखंड सरकार ने बहुत ही यहाँ पर सस्ते ऋण दर पर यह ऋण उपलब्ध कराया है और आपको यहाँ पर 1-2 लाख रुपए का नहीं, पूरे 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। और यह ऋण आपको कितने समय बाद लौटाना होगा, ब्याज की दर क्या होगी, सभी कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप जान लीजिए बच्चा, कौन कौन कर सकते हैं आवेदन, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं इस योजना के तहत। स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूली से 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्र, यानी आप आगे की पढ़ाई के लिए, जैसे आपने 10वीं कर लिया, 12वीं कर लिया, अब आपको डॉक्टर बनना है या फिर आपको आगे की पढ़ाई बीए करनी है, उसके आगे करनी है, तो आपको उसके लिए उत्तीर्ण होना पड़ेगा। आप 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण हो पाओगे यानी पास आउट होगे, तभी इस योजना का आप फार्म भर सकते हो। दूसरा दे रखा है, आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, न्यूनतम यहाँ नहीं दे रखा, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा दे रखा है, संबंधित कोर्स के लिए बैंक से पहले से कोई ऋण नहीं लिए हो। यदि आप इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण लेना चाहते हो, तो उसके लिए पहले से आपको किसी प्रकार का ऋण नहीं होना चाहिए। खासकर आप जिस कोर्स के लिए ऋण ले रहे हो, उस कोर्स का पहले से कोई ऋण नहीं होना चाहिए। इस योजना का पूर्व लाभार्थी ना हो, ये बात भी आपको ध्यान में देनी है। आगे यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, इस योजना का लाभ किसे मिलेगा और क्या क्या लाभ होगा। तो यहाँ दे रखा है, आवेदक को 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15 लाख रुपए का लोन। बिल्कुल बच्चा, मात्र 4% ब्याज की दर से वह 15 साल तक का इन्हें समय दिया जा रहा है। 15 साल तक की ऋण चुकाने की अवधि यहाँ पर दी जा रही है और पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास जैसे संस्थागत खर्चों के लिए सहायता भी यहाँ पर दी जाएगी। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर आप जानोगे कि आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में और किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। सबसे पहले यहाँ दे रखा है, आपको आधार कार्ड होना चाहिए। देखिए, आधार कार्ड में आपको 3 चीज़ें मिल जाएगी। पहला तो आपका नाम मिल जाएगा, दूसरा आपको यहाँ पर आयु प्रमाण पत्र इसी से मिल जाएगा। आयु प्रमाण पत्र आप इससे भी कर सकते हो या फिर जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट रखता है उसको भी आप आयु प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हो। दूसरा आपको पैन कार्ड लगेगा या फिर फॉर्म 69 भी बोल सकते हो, लेकिन पैन कार्ड अनिवार्य है। तीसरा है, निवास प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए, राशन कार्ड आपका यहाँ पर होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका होना चाहिए। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र नहीं, यहाँ पर आयु प्रमाण पत्र होगा। आयु प्रमाण पत्र आप यहाँ पर किस प्रकार से देख सकते हो, तो आपका आधार कार्ड हो गया या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था साथियों इस योजना के बारे में। आप लोग
यदि चाहते हो कि इसी प्रकार से वीडियो हमारी मिलती रहे तो भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस योजना के तहत हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, किस प्रकार से हम अपना फ़ोटो और भी जितने भी इम्पोर्टेंट दस्तावेज है अपलोड करेंगे, सभी कुछ देखने वाले हैं। तो वीडियो पर आप बने रहिएगा। और यहाँ पर झारखंड सरकार से जुड़े हुए सभी प्रकार की योजना इत्यादि के लिए भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।